ये वही आवाज है जिससे मैंने अभी ये गाया, और इसी आवाज से मैं इस अंग से अगर गाऊं इस आवाज में वो मिठास नहीं है, जबकि आवाज दोनों ही मेरी हैं, है ना? तो मिठास कहाँ से आ रही है? पुकार लगानी है, किसी को ललकारना है, तो उसमें मेलेडी नहीं आ सकती, है ना? बहुत छोटा सा एक अभिनय का आपको मैं एग्जांपल दूंगा, है ना, कि आपको अगर किसी को कहना है कि माँ का दूध पिया है तो बाहर आ और लड़ मुझसे, तो आप माँ का दूध पिया है ना तो बाहर आ ऐसे नहीं बोलेंगे। ऐसे बोलेंगे तो कोई बाहर नहीं आएगा और किसी की वो बोलो ललकार नहीं लगेगी। घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। मधुरता, मेलेडी, मिठास, ये वो मापदंड हैं जो हम एक आवाज को तोलने के लिए लगाते हैं, एक आवाज की क्या क्या खूबियां होती हैं उनमें लगाते हैं कि भाई अच्छी आवाज है तो क्या होना चाहिए? मेलेडी होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, एक नरमी होनी चाहिए। ये आवाज की खासियतें हैं, ये हम सब जानते हैं, हम सब मानते हैं। तो आज मैं आपसे एक सवाल करूंगा जो कि आप में से किसी ने मुझसे नहीं किया है, पर मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूं, आपको कहना चाहता हूं कि सोचिए जरा इस चीज पर कि क्या जो मधुरता है या जो मिठास है, जो मीठापन है, वो आवाज में होता है या दिमाग में होता है? आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो वॉइस क्वालिटी के अंदर आती हैं और उनमें हमें उन पर कितना फोकस करना चाहिए और कितना हमें दूसरी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि एक सिंगर को जब भी हम सुनते हैं तो हम उसकी आवाज़ सुनते हैं, हम कहते हैं कि भाई इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। तो आवाज़ की कौन सी क्वालिटी होती है जिसकी वजह से हम कहते हैं यार इसकी आवाज़ अच्छी है और इसकी नहीं है? और वो गाना सुन के हम कैसे माप सकते हैं कि ये सिंगर जो है इसकी आवाज़ अच्छी है? हम क्या चीज़ देखते हैं, हमारा क्या नज़रिया, आज उस पर ज़रा चर्चा करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सबसे ख़ास बात जो होती है वो होती है ज्ञान में, वो होती है गायकी के अंग में, वो होती है गायकी के स्टाइल में, आवाज़ में वो बात नहीं होती है। आवाज़ जो है वो ईश्वर की दी हुई है, ये शरीर ईश्वर का दिया हुआ, बचपन से ऐसा ही है, जैसा कि बनावट है या आवाज़ की जो क्वालिटी है वो हमेशा वैसी ही रहती है। उसमें हम निखार सकते हैं रियाज करके और एक्सरसाइज करके, है ना, हम आवाज़ को निखार सकते हैं, थोड़ी गहरी बना सकते हैं, थोड़ी ऊंची नीची बना सकते हैं, भारी बना सकते हैं, पतली बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। लेकिन जो मिठास है वो दिमाग में है सारी, वो जो गायकी का अंग है उसमें है। आप स्वरों को किस तरह से लगाते हैं, कितने दिल से, क्या सोच से लगाते हैं, उसमें है। वरना वही आवाज़ आपकी कर्कश भी हो सकती है उसी आवाज़ से। इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैं क्यों कहता हूँ कि वो सब आवाज़ में नहीं होता, ये जो चीज़ अभी मैं गाऊंगा इसको मैं दो आवाज़ों में गाऊंगा, मेरी ही आवाज़ है, वही आवाज़ है, उसी आवाज़ के साथ मैं उसे गाऊंगा, और उसमें कैसे मिठास है और कैसी कर्कशता है उसी आवाज़ से आप देखिएगा। ये वही आवाज है जिससे मैंने अभी ये गाया, और इसी आवाज से मैं इस अंग से अगर गाऊं आ
इस आवाज़ में वो मिठास नहीं है, जबकि आवाज़ दोनों ही मेरी हैं, है ना। तो मिठास कहाँ से आ रही है? गायकी के स्टाइल से, कौन से स्वर को कैसे लगाना है उससे मेलोडी आती है। आवाज़ में कोई अलग से मेलोडी नहीं होती है, आवाज़ की अपनी क्वालिटी होती है, मानता हूँ उसका एक टेक्सचर होता है, है ना, कि उसको सुन के उसका एक टच है कि भाई इसकी आवाज़ में थोड़ी नरमी वैसे भी है, लेकिन वो नरमी उसकी आवाज़ में वैसे नहीं है, वो नरमी से बात करता है इसीलिए है। ऐसा तो नहीं होगा कि वो जिस दिन चिल्लाएगा तुम्हारे सामने उस दिन भी तुम्हें वही नरमी नज़र आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अगर उसकी आवाज़ में वो कर्कशता भरा कोई चीज़ प्रेजेंट करना चाहे तो वो भी कर सके, उसको वर्सिटैलिटी कहते हैं। अब मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि क्या आवाज़ में सिर्फ मेलोडी होना ज़रूरी है? नहीं। अगर आपको हर प्रकार के गीत गाने हैं तो आप हमेशा मेलोडी के सहारे नहीं रह सकते। कहीं जोश भरा गीत है, कहीं थोड़ा दम से, कहीं किसी को पुकार लगानी है, किसी को ललकारना है, तो उसमें मेलोडी नहीं आ सकती, है ना। बहुत छोटा सा एक अभिनय का आपको मैं एग्जांपल दूंगा, है ना, कि आपको अगर किसी को कहना है कि माँ का दूध पिया है तो बाहर आ और लड़ मुझसे, तो आप माँ का दूध पिया है ना तो बाहर आ, ऐसे नहीं बोलेंगे। ऐसे बोलेंगे तो कोई बाहर नहीं आएगा और किसी की वो बोलो ललकार नहीं लगेगी। तो ललकार के लिए आवाज़ में वो दम होना चाहिए। तो ललकार भरे जो गीत हैं, जो गाने हैं, उनको आप कैसे गाओगे? उस मेलोडी से तो नहीं गा सकते ना। बहुत एक और छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। एक मूवी है, कल परसों ही स्टूडेंट्स को एग्जांपल दे रहा था मैं उस चीज़ का, जो कमीने मूवी है शाहिद कपूर की, उसमें जो गाना है ढंटना वाला, है ना। अब उसके शब्द ही ऐसे हैं कि, तो उसको आप प्यार से नहीं गा सकते, है ना। ये जो रॉक स्टाइल का गीत है, अब उसको ऐसे नहीं गाओगे आप, है ना। तो जो अंग है, हमें अंग सीखना होता है। जब गायकी का अंग आपके समझ में आ जाए, यानी कि वो जो स्वर है, वो जो गायकी है, वो आपके काबू में है, आपके दिमाग के कंट्रोल में है, फिर आपके आवाज़ में मेलोडी भी आ सकती है, कर्कशता भी आ सकती है, भक्ति भी आ सकती है, प्रेम भी आ सकता है। मेलोडी मधुरता एक रस है, है ना। और आपको एक रस के पीछे नहीं पड़ना है कि भाई ये तो मधुर है तो मधुर रस ही गाते हैं, वीर रस गवेगा ही नहीं इनसे, हैं। भक्ति रस या शांत रस या रौद्र रस का कुछ गाना है तो फिर वहाँ नहीं आएगा। अगर आपको शिव पंचाक्षर स्त्रोतम गाना है या शिव का तांडव गाना है तो वहाँ मधुरता नहीं लगेगी आपकी, वहाँ थोड़ा जोश चाहिए। और उस जोश में भी कितनी मेलोडी चाहिए वो आपके ऊपर है। ऐसा नहीं कहूँगा कि वहाँ से मेलोडी बिल्कुल ही हट जाती है और सिर्फ चिल्लाना ही होता है, नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन कितनी देनी है मेलोडी वो आपके ऊपर है, है ना। तो वो दिमाग में है ना, वो कंट्रोल आप कहाँ से ला रहे हैं। तो इल्म कीजिए, नॉलेज कीजिए, सीखिए, गायकी के अंग जानिए कि कैसे होते हैं, कब कहाँ कैसे स्वरों को लगाना है, तो अपने आप आपकी आवाज़ में मेलोडी भी आ जाएगी, तो वीर रस भी आ जाएगा, तो कर्कशता भी आ जाएगी जहाँ चाहिए, जहाँ थोड़ा रॉक स्टाइल का है तो वहाँ वो भी देना होगा। शास्त्रीय संगीत में उस चीज़ का उतना उपयोग है नहीं, है ना, कि आपको कर्कशता भरा कुछ गाना पड़े, आवाज़ को वैसा बना के गाना पड़े, ऐसा नहीं है, है ना। लेकिन जो दूसरा सुगम गायन अगर आप जब गाने जाएंगे तो क्या करेंगे फिर, है ना। तभी तो हम कहते हैं कि जो अगर जो फिल्मी जो कलाकार हैं ये, या जो गायक होते हैं, कई बार पैरोडी बनाते हैं ना, कहते हैं कि भाई उदित नारायण साहब अगर ये वाला गाना गाते तो कैसे गाएंगे, है ना, या अजीत सिंह साहब ये वाला गाना गाते तो कैसे गाएंगे, कैलाश खेर अगर ये वाला गाना गाते तो कैसे गाएंगे। क्योंकि इन सब की आवाज़ एक तरह से निश्चित है, इन्होंने एक ही गायकी अंग गाया है, क्योंकि इनको टाइपकास्ट भी कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं की गलती है, है ना, कि इनसे वैसे ही गाने गवाओगे, म्यूज़िक कंपोजर्स के ऊपर है कि तो लोग उनको उसी अंदाज़ में जानेंगे, है ना। जैसे हम जानते हैं अनूप जलोटा जी को, वो भजन बहुत अच्छा गाते हैं, तो भाई वो भजन ही गाते हैं, जबकि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो गज़ल भी बहुत अच्छी गाते हैं, है ना। गज़ल का अंदाज़ है उनका। हम कहते हैं भाई पंडित जसराज जी बहुत अच्छा क्लासिकल गाते हैं, लेकिन उनके भजन आप सुन लीजिए, है ना। जगजीत साहब को हम जानते हैं कि गज़लें, गीत और भजन बड़े अच्छे गाते हैं, लेकिन आप उनका क्लासिकल सुन लीजिए, वो भी बहुत बेहतरीन है। तो लोगों को मालूम ही नहीं, क्योंकि लोगों ने वो सुना ही नहीं, क्योंकि लोगों के सामने वो प्रेजेंट नहीं किया गया। तो गायकी अंग आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। हम देखते हैं गुलाम अली साहब को, वो ठुमरियाँ भी गा सकते हैं, वो गज़लें भी गा सकते हैं, तो वो शास्त्रीय भी गा सकते हैं, लेकिन लोगों ने क्या सुना है उस अंग में है। लेकिन आना सब चाहिए आपको, हर प्रकार का गायकी अंग आना चाहिए, तो आवाज़ उस हिसाब से मोल्ड हो जाती है मेरे ख्याल में, तो कि आवाज़ का जो मिठास है या भक्ति है या कोई सा रस है वो उस पर्टिकुलर गीत अनुसार होना चाहिए। वो आवाज़ का पार्ट अगर बन गया तो दिक्कत आ जाएगी। अगर आपकी आवाज़ का ही पार्ट बन गया, मेलोडी और धीमे बोलना और धीरे एकदम ऐसे ही हमेशा प्यार से इस तरह से बात करना, तो वो ललकार जो है वो नहीं आ पाएगी, या कभी कहीं रौद्र रस है वो नहीं आ पाएगा। तो मेरे ख्याल से हर रस को हमें गाना चाहिए, हर रस में हमारा थोड़ा दखल एक कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। तो बस ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभाव वर्ल्ड की वीडियोस, और ऐसे ही मैं कुछ अलग अलग बातें जो आपने शायद कहीं ना सुनी हो, ऐसी बातों पर चर्चा करके आपको ऐसी चीज़ें सिखाने की, ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जो आपको एक नया नज़रिया देगी, है ना, और बाकियों से अलग करेगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।